हाँ जी, सब खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। ओके जी, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक हमारे स्पोर्ट्स अपैरल की कॉस्टिंग के बारे में, कॉस्टिंग टेक्निक्स के बारे में। कॉस्टिंग नहीं सिखाऊंगा, कॉस्टिंग की टेक्निक्स बताऊंगा। बहुत सिंपल, बहुत ईजी, बच्चों का खेल होता है। लोग परेशान हो जाते हैं कि सर स्पोर्ट्स अपैरल की कॉस्टिंग कैसे की जाए। मैं समझता हूँ बच्चों का खेल, आप यकीन करो, ये होते हैं स्पोर्ट्स अपैरल, ठीक है ना। चलिए, कॉस्टिंग टेक्निक समझने का मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। एक स्टोरी बनाते हैं, उसके अंदर एक कॉस्टिंग टेक्निक करेंगे तो आराम समझ आ जाएगी, वरना ये समझ नहीं आती है। सपोज करें आप यूरोप में बैठे हुए किसी एग्जीबिशन के अंदर, जहां पे सामने बहुत सारे स्टॉल हैं, वहां पे बांग्लादेश का, तुर्की का, वियतनाम के बहुत से स्टॉल हैं, पाकिस्तान का स्टॉल है, हमारे बराबर के मुल्क का स्टॉल है, बहुत सारे लोग हैं। उसमें एक कस्टमर आपके पास आता है और कहता है, यार मुझे एक लोअर जो होता है उसकी कॉस्टिंग चाहिए, फ्लीस वाले की। जैसे मिसाल देता हूँ, ये मैंने रखा हुआ यहाँ पे, ये है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स अपैरल की, ठीक है ना। तो ये मैंने जेब वे भी सही बाहर निकाल दी, ठीक है। इसकी कहता है मुझे इसकी कॉस्टिंग करके दो, मुझे अभी चाहिए इसकी प्राइस। अब आप परेशान, ओए होए कहाँ से लाऊं, इसकी यान क्या है, इसकी निटिंग कितनी है, इसकी डाइंग कौन सी है, इसके स्टिचिंग रेट कितने हैं, फलाना फलाना फलाना, कंफ्यूज और घबरा गए। आप कहते हैं जी आई विल गेट बैक टू यू व्हेन आई विल रीच कराची, ठीक है, मैं कराची पहुंचूंगा फिर आपको बताऊंगा। आपका क्या ख्याल है, इतनी देर इंतजार करेगा बाहर आपका? सामने वियतनाम का, तुर्की का, बांग्लादेश का स्टॉल लगा है, वहां चले जाएगा? आप ही के पाकिस्तान के 10 स्टॉल लगे, चले जाएंगे? कॉस्टिंग के अंदर आपको 5 मिनट से 10 मिनट का टाइम चाहिए होता है, बस इसके अंदर आपको कॉस्टिंग देनी होती है, वरना गया कस्टमर, जहन से निकाल दें। इसके लिए मैं आपको एक आसान सा सिंपल सा तरीका बता देता हूं करने का, इसीलिए ये कॉस्टिंग शॉर्टकट टेक्निक है। अभी हम कॉस्टिंग करेंगे, 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर कॉस्टिंग पूरी कर लेंगे, बहुत सिंपल। आपको कस्टमर ने ये ला के दिया, ठीक है, पहले तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है ना, एक दोस्ती की बात है, ठीक है। देखो भी ये तो एक बात है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपल और इजी करके बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले इसका वजन ले लें, इसका जितना भी वजन है ले लें। वजन लेने के बहुत से तरीके हैं, आप देख लें, सारी वेइंग मशीन, ज्यादातर लोग एग्जीबिशन में जाते हैं तो वेइंग मशीन को साथ लेके जाते हैं, नहीं है तो किसी स्टॉल से ले ले। अगर आपने घर में ऑफिस में, तो मैं बड़े मजे की बात, तो मिठाई वाले, सब्जी वाले, सबके पास वेइंग मशीन है, जाके वेट कर ले। कुछ नहीं है तो ये ले लें, दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, ये ले लें, ठीक है, इस तरह से। ये एक वेइंग स्केल होता है, ये एक स्केल ले लें, इसको एक थैली लें, मैं आपको बड़ा जबरदस्त कॉस्टिंग करके दिखा रहा हूं। देखो टाइमर भी लगा हुआ है कि कितनी जल्दी हम कॉस्टिंग करेंगे, मेरा ख्याल 10 मिनट के अंदर अंदर कर लेंगे कॉस्टिंग। इसको इस तरह थैली में डाला, थैली में डाल के इसके हुक में फंसाया, और इसके हुक में फंसा के ये जी कितना हो गया, तकरीबन 800 ग्राम, ऑलमोस्ट 800 ग्राम्स, ठीक है ना। तो ये मैंने ले लिया, अब 800 ग्राम मेरे पास आ गया, ठीक हो गया। अब सबसे पहले आते ही जो काम मैंने करना है, वो ग्राम को मैंने कन्वर्ट कर देना है LBS में, पाउंड्स में। उसका बहुत आसान सा तरीका बता देता हूँ, बहुत सिंपल, बहुत ईजी, बच्चों का खेल, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने 800 ग्राम को डिवाइड करना है 1000 से, और मल्टीप्लाई करना है आपने इसको 2.2046 से। तो 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0.8 kg आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 2.2046 से तो इसका LB में वजन आ जाएगा। और इसको 35% बढ़ा दें, 1.35 से मल्टीप्लाई करें। 35% क्यों बढ़ा है, वीडियो के आखिर में बताऊंगा। आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते ना, वीडियो पूरी देखा करो, वीडियो को आखिर में बताऊंगा कि 35% क्यों बढ़ाया। खैर, 35% इसको बढ़ा देंगे तो 2.38 LB आ जाएगा। यहां तक हो गया, बहुत सिंपल, बहुत ईजी कर दिया। इसके बाद आपने इसको, अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे पता चलेगा कि ये PC है, कॉटन है, पॉलिएस्टर कॉटन है, या 100% पॉलिएस्टर है? बहुत सिंपल, जितनी शाइन ये मार रहा है ना, इससे कॉटन तो नहीं लग रहा है, ठीक है ना। और यूजुअली ये आइटम्स कॉटन में नहीं जाते, तो मेरी अकल ये कह रही है, जितनी अकल ये कह रही है, ये पॉलिएस्टर कॉटन है, लेकिन चेक कॉटन है, लेकिन चेक कैसे करें उसका 100% पॉलिएस्टर? सिंपल आसान तरीका दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पानी है, ये पानी इसके अंदर है। आपने सबसे पहले क्या करना है, ऐसे उसको ले लेना है, ठीक है ना। ये दिखा रहा हूं ब्लेंड चेक करने का तरीका। अब जाहिर बात है, 4 सुबह के 6 बजे ने पाकिस्तान में कोई आपको बताएगा तो नहीं, और तस्वीर से पता नहीं चलेगा। पानी लिया, पानी लेके ये देखें, पानी लेके ये डाल दिया मैंने, ये सारा एब्जॉर्ब हो गया। अगर पॉलिएस्टर होता ना 100%, तो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता, थोड़ा रुकता फिर एब्जॉर्ब होता, लेकिन इतनी स्पीड से जो एब्जॉर्ब हुआ है, इससे 99% अंदाजा है ये PC यानी पॉलिएस्टर कॉटन। अच्छा, अब इसमें ये चीज चेक करनी होगी कि इसका GSM क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस GSM को चेक करें, मेरी अकल कहती है ये तकरीबन 170-180 GSM है, अकल ये कहती है।
लेकिन ये फ्लीस है, रेज हुआ हुआ है, तो इसका मतलब है कि जब ये ओरिजिनल कपड़ा बना होगा तो तकरीबन 200 जीएसएम होगा। अच्छा, 200 जीएसएम में धागा कौन सा इस्तेमाल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, 40 सिंगल धागे से तकरीबन 100 जीएसएम बन जाता है, 36 सिंगल से 120 130 जीएसएम बन जाता है, 30 सिंगल से 135 150 जीएसएम बन जाता है, 26 सिंगल धागे से 180 200 जीएसएम बन जाता है, 20 सिंगल धागे से 220 200, ये सब मैंने आपके रेंज बताई, ये तजुर्बे से आता है। मेरे लिहाज से इसमें 26 सिंगल धागा लगेगा। अब धागा भी बदल गया आपको, कौन सा है, पीसी पॉलिएस्टर कॉटन, 26 सिंगल। लेट्स सपोज 26 सिंगल का रेट है 400 रुपए पर एलबी। अब याद रखिए हम एलबी में चलेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.38 से तो कितना आ गया, 952 रुपए, 952 रुपीज ये आ गए, ये धागे टोटल धागे की कॉस्ट हो गई। इसके बाद आपने कहना है निटिंग चार्जेस, निटिंग चार्जेस यूजुअली केजी में होते हैं, 40-50 रुपए केजी होते हैं, हम 40 रुपए केजी पकड़ते हैं तो पाउंड में उसके हो गए 18 रुपए पर पाउंड, इसको मल्टीप्लाई कर 2.38 से तो निटिंग आपकी 43-44 रुपीज में हो जाएगी। डाइंग चार्जेस तकरीबन टू पार्ट डाइंग होगी, क्योंकि कॉटन भी है पॉलिएस्टर भी है, पहले डिस्पर्स पॉलिएस्टर पे होगा फिर कॉटन पे वो होगा, क्या नाम है, रिएक्टिव होगा, किसी टेक्सटाइल इंजीनियर से पूछ लीजिएगा, मेरी अकल तो यही कहती है ऐसा होना चाहिए। इसकी कॉस्ट तकरीबन 300 रुपए केजी होगी, क्योंकि सिंपल वन साइड वन पार्ट जो होती है उसकी तकरीबन 200 होती है तो उसकी 300 होनी चाहिए, अकल ये कहती है, लेकिन रेट्स इमेजिनरी हैं, ये सारे रेट्स इमेजिनरी हैं, ये आपने जाके चेक करना है। अच्छा, इमेजिनरी क्यों कह रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो आप बनने के एक साल के बाद देख रहे हो तो उस वक्त वो रेट चेंज होंगे ना, तो ये सब इमेजिनरी रेट है। लेट सपोज हम 300 रुपए पर केजी ले लेते हैं, उसको पाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो 136 रुपए पर पाउंड बनता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.38 जो टोटल वजन है इसका पर उसका पर पीस एलबी में 2.38 तो तकरीबन 324 रुपए बन जाते हैं। फ्लीस, फ्लीस की जो कॉस्ट है, रेज करेंगे ना, रेजिंग भी मारेंगे इसके अंदर, ये सब फ्लीस है अंदर, सारी रेजिंग है, इसकी कॉस्ट मेरे लिहाज से तकरीबन 50 रुपए तक होती है पर केजी। इसको भी डिवाइड कर लेंगे 2.2046 से तो 22-23 रुपए इसकी पर एलबी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 2.38 से तो 54 रुपए आ जाएगी, सबको ऐड करेंगे तो 1374 रुपए के करीब इसकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल। ठीक है ना, ये मैंने आपको आइडिया दे दिया। सीएमटी एसेसरीज किसी भी सीएमटी वाले को फोन करें, उसको एक पिक्चर भेजें, 2 मिनट में आपको दे देगा, इसमें कोई ऐसी साइंस होती, लेबल लगता है, बाकी सिलाई है, मेरे लिहाज से 150 रुपए में हो जाएगी टोटल। ठीक है, विद एसेसरीज उम्मीद यही है, लेकिन ज्यादा कम हो आप रेट चेक करा लीजिएगा। देखिए मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं, कॉस्टिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो आपने चेक करने मार्केट से। इसमें एम्ब्रॉयडरी, अच्छा एम्ब्रॉयडरी का थोड़ा समझ लो, ये है एम्ब्रॉयडरी भाई, ये एडिडास वालों की है, मैं एडिडास वालों को बताना चाहता हूँ, ये चीज मैंने खुद परचेज करके लिए, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं सिर्फ इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। ठीक है ना, अच्छा ये जो एडिडास का लोगो है, इस लोगो की मुझे कॉस्टिंग करनी है, इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है, इसकी पर 1000 स्टिच कॉस्ट निकलती है जो 2-2.5-3 रुपए होती है, मेरी अकल ये कहती है कि ये तकरीबन 3000 स्टिच है एम्ब्रॉयडरी। लेकिन इसका सांसा तरीका है, इसका टोटल साइज लें, एक साइज ले लें कितना साइज है, इसकी पिक्चर लें, एम्ब्रॉयडरी वाले को भेजें, 5 मिनट बता देगा। फर्ज करें 3000 स्ट्रेच है 2.5 रुपए की, अगर मुझे नहीं पता भी कितनी है, मेरा ख्याल है 2.5-3 रुपए की होनी चाहिए, 2.5 रुपए की पर 1000 स्ट्रेच है तो 7.5-8 रुपए होगी, एम्ब्रॉयडरी कॉस्ट 8 रुपए डाल दी। अब हमने एम्ब्रॉयडरी कॉस्ट सीएमटी को ऐड किया। अच्छा एक मैं क्लियरिंग फॉरवर्डिंग, ये तकरीबन कोई मेरे लिहाज से 20-25 हजार पीसेस जाएंगे कंटेनर में, मेरी अकल ये कहती है 2 लाख रुपए तकरीबन क्लियरिंग फॉरवर्डिंग होगी, डिवाइड करूं 2500 7-8 रुपए क्लियरिंग फॉरवर्डिंग हो गए। तो सीएमटी एसेसरीज के साथ 150, एम्ब्रॉयडरी 8 रुपए और क्या नाम है क्लियरिंग फॉरवर्डिंग 8-10 रुपए मिला के तकरीबन 1540 रुपए के करीब बन गया, इंदा ये 15539 बन गया। इसको डिवाइड किया, आज का डॉलर का रेट है 280-279 जो भी रेट है, तो तकरीबन $5.50 इसकी कॉस्ट आ गई, सिंपल एंड ईजी। टाइम देख लें आप, ठीक है ना, मैंने आपको कितना सिंपल कितना इजी कर दिया, 5-7 मिनट ज्यादा की कॉस्टिंग नहीं होती, आपने बायर को दे दी, यूजुअली इसमें कॉस्ट में सेटिंग बन जाती है। हाँ, प्रॉफिट आपने खुद ऐड करना है, ओवरहेड इसमें आपने ऐड करना है, ओवरहेड तकरीबन 3-4-5% होता है फैक्ट्री टू फैक्ट्री, और क्या कहते हैं प्रॉफिट आप 10% तक रख लें, ये एडिशनल होता है, ये आप ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। अच्छा आप एक काम करते हैं, आसान सा कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, एक मिनट में आ रहा हूँ कोई काम करके, फिर मैं आपको बताऊंगा वो जो 35% मैंने बढ़ाया तो वो क्यों बढ़ाया था। ठीक है ना, जब तक आप एक काम करें, ये ऐड देखें, ये बहुत जबरदस्त ऐड है,
तो ये एक मिनट जरा मेरी ई बुक्स का ऐड देखो यार, इतनी जबरदस्त ई बुक्स बनाई है, कंचा ई बुक्स बनाई है आप लोगों के लिए, बनाई है, खरीदो यार, क्या जबरदस्त। मेरी फैब्रिक की भी है इसकी, अच्छा निटिंग निट्स की मेरी कोई ई बुक नहीं है, लेकिन निट्स में मैं वो कराता हूँ, क्या नाम है, कोर्सेज कराता हूँ कराची के अंदर, ऑनलाइन भी है और फिजिकल भी है। फिजिकल जरा महंगे होते हैं, ऑनलाइन जरा सस्ते होते हैं, लेकिन मैं पहले बता दूं बहुत महंगा टीचर हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि हम एक दो सेशन के अंदर सारा निटिंग वगैरह करा देते हैं। ओके जी, आप ये ऐड देखिए, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। हाँ जी, क्या आप लोगों ने मेरी नई ईबुक खरीदी है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, उसमें यार्न भी है, फैब्रिक भी है। देखो मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें, एक्सपोर्ट के कस्टमर दें। भाई हम अब एक्सपोर्ट के कस्टमर पार्टियां किसी को नहीं देते यार, वो पकड़ कोई पाता नहीं है, सच्ची बात है। अगर मैं किसी को पार्टी दे भी देता हूं ना एक्सपोर्ट की, तो वो पकड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। उसके लिए हमने एक ईबुक बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, उसमें हम बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट की पार्टियों को पकड़ना है, उनसे काम करना, अपना माल बेचना है। मैंने तीन ही बुक्स बनाई है, कौन सी, गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टावल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या जबरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही इसमें, उसके अंदर वीडियोस हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं, इसको खरीदो, तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। हाँ जी, अब ये जो बात हो रही थी ना आपसे, इसकी क्या नाम है, जो 35% मैंने बढ़ा दिया था, याद है 800 ग्राम उसको मल्टीप्लाई का, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था 1000 से, 0.8 केजी मल्टीप्लाई किया था 2.2046 से, और 35% बढ़ा के 2.38 पर एलवी। ये 35% क्यों बढ़ाया था वो बताता हूँ। देखो एक अंदाजा तो हो गया कि ये फ्लीस है, ठीक है ना, फ्लीस का मतलब है ये रेज होगा, उधड़ेगा, उसमें से यान निकलेगा, वेस्ट होगा, तो 10% तो तकरीबन इसकी वेस्टेज से वहां आ जाएगी। इसके अलावा श्रिंक, ये यूनिट श्रिंक बहुत होता है, तकरीबन 12-13-15%, हम 13% पकड़ लेते हैं वेस्टेज। निटिंग की अपनी वेस्टेज होती है, वो तकरीबन 2% होती है। डाइंग की वेस्टेज होती है 5%, डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं 5% होती है। सीएमटी की वेस्टेज होती है, फाइनल पीस निकलता है उसमें वेस्टेज आती है। इसमें भी एक आध मैंने देखा डिफेक्ट नजर आया था मुझे, पता नहीं वो खराब हो गया था, खैर बहरहाल, तो नहीं ये डिफेक्ट, लेकिन जो लगा वो मेरी वजह से लगा, ये एडिडास वाले बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी वजह से कोई नहीं लगा, ठीक है ना। तो वो सब मिला के सीएमटी की 5% वेस्टेज मिला के ये हो गया 35% रफली, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। तो वेस्टेज यहां से आती है। अब आइए आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखो आप लोग जरा बात समझो, कितना घबरा रहे थे। अब ये इस आइटम को, अब जब मैंने वीडियो शुरू की थी तब ये आइटम की कॉस्टिंग, या आप ये सोचो कि आपको कहला के यार ये आइटम की कॉस्टिंग करके दो, आप तो परेशान बाल भी हो जाएंगे, यार कैसे कॉस्टिंग करेंगे, कहां से आएगा पैरामीटर्स, क्योंकि फैक्ट्री भेजेंगे, जीएसएम चेक होगा, निटिंग चेक होगी, डाइंग चेक होगी, स्टिचिंग, पता नहीं क्या क्या क्या, इतना टाइम नहीं होता एग्जीबिशन के अंदर, आप यू नीड टू बी वेरी फास्ट, आपको फॉरन देन एंड देयर प्राइस देनी होती है। तो इसके लिए हम लोग यूजुअली यही बताते हैं कि जल्दी से इस तरह से शॉर्टकट से प्राइस लेके दे दें, बायर भी बड़ा खुश हो जाता है। अलबत्ता कोई 5-7% का प्राइस का डिफरेंस जब एक्चुअल सैम्पलिंग की हम कॉस्टिंग करने बैठेंगे मेजरमेंट्स के साथ सब कुछ, तो थोड़ी सी 5-7% का डिफरेंस आएगा, तो आप बायर को बता सकते हो, देखो मैंने आपके सामने एक टेंटेटिव कॉस्टिंग करके दिखाई है, ठीक है ना, ये एक्चुअल कॉस्टिंग नहीं है, टेंटेटिव कॉस्टिंग है। 5-7% का अपने जहन में मार्जिन रखिएगा, और कभी अगर कोई बहुत ज्यादा बायर बताए तो आप बायर को बता दीजिएगा आपको, हम आपकी प्राइस जो आप कह रहे हैं अगर $5.50 मीट कर देंगे, लेकिन हमारी कॉस्ट थोड़ी बढ़ रही है तो हम थोड़ा जीएसएम कम कर देते हैं, ठीक है 5-10 GSM कम कर दें, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईमानदारी से बता के, झूठ बोल के नहीं, हम ईमानदारी से काम करेंगे। गाइज मैं सिर्फ चाहता हूं आप लोगों का विजन बहुत स्ट्रांग हो। अभी देखो ना ये चीज अगर आपके सामने आ जाए तो आप तो परेशान कैसे कॉस्टिंग करेंगे, और अभी आप देखो आपके सामने 5-7 मिनट के अंदर पूरी कॉस्टिंग हमने कर ली। कॉस्टिंग्स करना बहुत सिंपल होता है, और कॉस्टिंग्स की ही बुनियाद पे हम सारे ऑर्डर्स पकड़ते हैं। अब आइए, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि यार सर आप निटिंग के कोर्सेज कराते हैं, निट के, देखो मेरी ई बुक्स जो है ना वो वीविंग वगैरह फैब्रिक वगैरह के हिसाब से बनाई हुई है, बहुत जबरदस्त ई बुक्स हैं, फैब्रिक एंड बेड लिन की हैं और टॉवल्स की हैं, और एक हाउ टू ग्रैब एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, आपने भी ऐड देखा भी होगा। निटिंग के लिए ना यार मेरा सच्ची बात है कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं बनाऊंगा ई बुक, अभी नहीं बना रहा, आगे जाके बनाऊंगा, लेकिन अगर किसी को निटिंग के कोर्स लेना है तो फिजिकल कराची में हम 2 कोर्सेज कराते हैं, यानी 2 सेशंस होंगे, हर सेशन का 10,000 लेंगे, 10,000 फिर 10,000, तो टोटल 20,000 रुपए हो गए। इस 20,000 में आप, और कोर्स तकरीबन ड्यूरेशन एक सेशन का 90 मिनट होता है, एक बार 90 मिनट कराएंगे, फिर असाइनमेंट देंगे, फिर अगली बार 90 मिनट कराएंगे, उम्मीद है आपको कॉस्टिंग्स वगैरह और निटिंग वगैरह का आइडिया हो जाएगा।
ऑनलाइन लेना है तो फिर आपको 3 सेशन लेने पड़ेंगे, उसमें टाइम कम होता है और बहुत ज़्यादा बताना पड़ता है। तो उसमें एक सेशन लेंगे, फिर आपको एक असाइनमेंट देंगे, फिर सेशन लेंगे, असाइनमेंट देंगे, फिर सेशन लेंगे। वो तकरीबन 7,500, 7,500, 7,500 के होते हैं पर सेशन, ठीक है। वो 20-21 हज़ार में सारा आपको सीख लोगे। तो मैंने कहा एक आइडिया दे दूँ आप लोगों को। ओके गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मुझे मशहूर करें, कमेंट्स किया करो, अच्छे लगे, मुझे बड़ी खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। ओके जी, अपना खास ख्याल रखें। मेरा नाम नुमान अहमद है, अल्लाह हाफिज़।